हेलो एवरीवन माय नेम इज वरदान गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट मांगेडबेन्स सो भाई मैग्नेट मांगेडबेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर किंड गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक हर कोर्स मिल जाएगा यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग यू कैन आस्क फॉर सीबीएसई बोर्ड यू कैन आस्क फॉर स्टेट बोर्ड यू कैन आस्क फॉर एन यू कैन आस्क फॉर ओलम्पिया यू कैन आस्क फॉर बोर्ड बुक क्या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे मतलब ये तो हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहाँ मिल जाएगी क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट येस यू हर्ड दैट वाइट फ्री ऑफ कॉस्ट दो चैप्टर्स या दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं कंप्लीट कोर्स की बात कर रहा हूं कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस तो गाइज आज इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं भाई आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं इससे पहले हम डीएमएल कमांड्स देख चुके है, हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स हम देख चुके हैं और अब हम शुरुआत करने वाले हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज की और ये है एक्चुअली आपके एडवांस कमांड्स ठीक है इनको मैं काउंट करता हूं एडवांस कमांड्स में ठीक है, एडवांस कमांड्स अब एडवांस कमांड्स में सबसे पहले जो हम करने वाले हैं, वो करने वाले ग्रुपिंग की बात ठीक है तो सबसे पहले क्या है ग्रुपिंग रिजल्ट्स की हम बात करने वाले तो सबसे पहला जो काम हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं ग्रुपिंग रिजल्ट्स ठीक है तो ग्रुपिंग क्या होता है कैसे करते हैं क्या, क्या क्या इसके फॉर्म है वो सब चीज देखेंगे और ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होने वाला है इसके लिए हमें चार वीडियो लगेंगे आगे ठीक है तो चार अलग अलग तरीके से हम ग्रुप को कंप्लीट करेंगे ग्रुपिंग वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे सबसे पहले आपका ग्रुपिंग रिजल्ट हो गया ग्रुप बाय क्लॉज का बेसिक समझेंगे इस वीडियो में कि ग्रुप बाय क्लॉज बेसिकली होता क्या है ग्रुपिंग से हमारा क्या मतलब है क्या आउटपुट रहेगा क्या चीज रहेंगी तो ग्रुप बाय का बहुत बेसिक सा आपको आइडिया इस वीडियो में पता चल जाएगा इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके

किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या क्लास ट्वेल्थ के हिसाब से नहीं सिर्फ इवन जो आपके प्रोफेशनल डेटाबेस मैनेजर्स होते हैं एनालिस्ट होते हैं उन सब को भी इस कमांड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इन देर प्रोफेशनल वर्ल्ड ठीक है प्रोफेशनल जॉब्स में भी इस कमांड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो इसको आज हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं तो बहुत ध्यान से फोकस होकर चीज़ों को समझिएगा ठीक है सिर्फ आंखें नहीं खुली रखनी है दिमाग भी खुल के रखना है इन चीज़ों को मतलब ये जो टॉपिक जो भी हम पढ़ने वाले इसको बहुत ध्यान से सुनना है ठीक है तो जैसे आप लोग को पता है हमारा क्लास ट्वेल्थ का

नेक्स्ट है दिस ग्रुपिंग रिजल्ट्स इनटू को लाता है हर ग्रुप के लिए हर ग्रुप के लिए अगर आपने कोई फंक्शन यूज किया है उसके साथ तो. ठीक है अगर आपने कोई फंक्शन यूज किया है इन अदर वर्ड्स वी कैन से ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड इन सेलेक्ट स्टेटमेंट टू डिवाइड द टेबल इनटू ग्रुप्स तो आप दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो कि ग्रुप बाय क्लॉज यूज होता है सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ताकि आप टेबल को ग्रुप्स में कंबाइन सॉरी डिवाइड कर सको ठीक है ग्रुपिंग कैन बी डन बाय कॉलम नेम और विद एग्रीगेट फंक्शन इन विच एग्रीगेट प्रोड्यूस अ वैल्यू फॉर ईच ग्रुप आप जो ग्रुपिंग है वो कॉलम नेम से भी कर सकते हो एग्रीगेट फंक्शन से भी कर सकते हो जिसमें एग्रीगेट क्या करता है फंक्शन हर ग्रुप के लिए एक वैल्यू प्रोड्यूस करता है ठीक है द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज ऑफन विद एग्रीगेट फंक्शन काउंट मैक्स मिन सम एवरेज बहुत सारे ऐसे हैं टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम्स कॉलम्स या या एक या एक से ज्यादा ग्रुपिंग करने के लिए ठीक है आई नो अभी समझ में नहीं आया होगा एक एक्साम्पल से जब समझाऊंगा ना तो क्लियर हो जाएंगी चीज ठीक है उस पर हम वापस आएंगे फिर इन स्टेटमेंट्स पे बेसिकली ग्रुप बाय का सिंटेक्स uh, है तो कुछ ये सिंटेक्स है ग्रुप बाय का ठीक है विच इज सेलेक्ट करना है आपको है ना जिस भी कॉलम को सिलेक्ट करना है वो लिखना है ठीक है इसमें आप कोई भी फंक्शन uh, भी लिख सकते हो एग्रेड फंक्शन uh, भी स्पेसिफाई कर सकते हो फ्रॉम जिस भी टेबल से आपको लेना है वेयर क्लॉज एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट अगर आप चाहो तो आप दे भी सकते हो नहीं चाहो तो नहीं भी दे सकते हो फिर आपको लिखना है ग्रुप बाय ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है ग्रुप बाय कॉलम का नाम डाल सकते हो इसके बाद आप ऑर्डर बाय क्लॉज डाल सकते हो ये भी क्या है ऑप्शनल है ये भी क्या है ऑप्शनल है अब बेसिकली है क्या चलो सेंटिक्स भी देख लिया होता क्या समझ में आ गया समझ में नहीं आया मतलब पढ़ लिया होता क्या समझाइए तो सही समझेंगे एग्जाम्पल समझेंगे ठीक है अब एग्जाम्पल से समझने से पहले एक जरा पॉइंट भी कंक्लूड करेंगे दैट द ग्रुप बाय अपलाइज्रेडेड फंक्शन इंडिपेंडेंटली टू सीरीज ऑफ ग्रुप्स दैट आर डिफाइंड हैविंग अ फील्ड वैल्यू इन कॉमन But one thing that we should keep in mind is that while grouping, we should include only those values in the select list that either have the same value for a group or contain a group or aggregate function that is a group expression. ठीक है? अब आ गए हम finally example पे. Example से पहले चीज समझेंगे, फिर वापस से dive in करेंगे syntax पे भी और बाकी जो चीजें उस पे भी. ठीक है तो देखो बहुत सिंपल सी कहानी है सपोज वी वांट टू फाइंड द टोटल सम ऑफ ऑर्डर प्राइस अभी एक 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 टेबल दे रखा है आपको ठीक है टेबल का नाम है ऑर्डर्स टेबल का नाम क्या है ऑर्डर्स है ऑर्डर्स नाम से एक टेबल दे रखा है आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है भाई आपको टोटल सम निकालना है ठीक है टोटल सम निकालना है किसका ऑफ ऑर्डर प्राइस का ऑफ ईच कस्टमर अब चलो टोटल सम ऑफ ऑर्डर प्राइस तक तो ठीक थी कोई प्रॉब्लम नहीं है सब निकालना है ऑफ ऑर्डर प्राइस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सम निकालना है ऑर्डर प्राइस का तो ऑर्डर प्राइस कॉलम ये दिख रहा है इसका सम आपको निकालना है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें है ना प्रॉब्लम आगे जुड़ गई क्या ऑफ ईच कस्टमर ठीक है हर कस्टमर का टोटल ऑर्डर प्राइस निकालना है। ठीक है फ्रॉम ऑर्डर टेबल मतलब क्या पूछ रहे हैं बेसिकली ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं ना पे देखो तो कस्टमर लिखे हुए हैं इसमें से आपको जो अलग अलग कस्टमर्स जैसे कि Hansen, Hansen है है अब प्लीज डोंट गो फॉर द द ऑफ नेम्स ठीक नेानसन बोल रहा हूं मैं इसको निलसन बोल रहा हूँ इसको हानसेन फिर से आ गया फिर से हानसन आ गया फिर जेनसेन आ गया फिर निलसन आ गया अब अगर आप यहां पे देखो तो यार कुछ कस्टमर्स रिपीट हो रहे हैं अगर मैं कहूं हानसेन की बात तो हानसेन यहां पर भी है हानसेन यहां पर भी है हानसेन यहां पर भी है अगर मैं कहूं कि भाई मुझे सम चाहिए ऑर्डर प्राइस का तो इसमें तो हजार सात सौ और तीन सौ आ जाएगा मतलब अगर मैं कहूं कि फिलहाल मुझे सम चाहिए हर कस्टमर का तो हानसेन का क्या होना चाहिए हानसेन का होना चाहिए जो टोटल होना चाहिए थाउजेंड प्लस हंड्रेड प्लस टू थाउसेंड होना चाहिए ठीक है उसी तरीके से मैं की की बात बात तो इनका टोटल कहूं, तो 1600 और 100 हो गया तो तो एक एक रहा रहा दो इनका अगर टोटल कहूं तो सिक्सटीन हंड्रेड और वन हंड्रेड हो गया तो का क्या हो गया सिक्सटीन हंड्रेड ठीक है फिर नलसन के बाद अगर मैं कहूं जेनसन तो जेनसन एक ही एग्जिस्ट करता है तो जेनसन कितना हो गया? हो गया गया है है अब बेसिकली मुझे ये करना है, ये आउटपुट लेके आना है सपोज मुझे ये करना है मुझे ये आउटपुट लेके आना है अब यही क्वरी या ये आउटपुट लाने का काम आप करते हो ग्रुप बाय क्लॉज से मतलब बेसिकली आप करते क्या हो आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम या मल्टीपल कॉलम को यूज करते हुए ग्रुप्स बनाते हो मतलब मैंने अगर कहा कि भाई ये बड़ा सा टेबल दे रखा है आपको है ना बहुत लंबा चौड़ा सा टेबल दे रखा है इसमें इस, इस टेबल को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक कर दो मतलब ग्रुप बना दो और ग्रुप कैसे बना दो ग्रुप बना दो कस्टमर कॉलम के बेसिस पे जैसे ही मैंने कहा कि भाई ग्रुप बना दो कस्टमर बेसिस कॉलम सॉरी कस्टमर कॉलम के बेसिस पे इसका मतलब ये है कि जहां जहां पर भी कस्टमर में रिपीटेड वैल्यूज है जहां जहां पर भी कस्टमर में रिपीटेड वैल्यूज है उनको एक साथ ग्रुप करके एक टेबल बना दो और ऐसे ही मल्टीपल पार्ट बना दो जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो हम चलेंगे रफ वाले पार्ट में क्योंकि हमें वहां जरूरत पड़ेगी चीजों की ठीक है तो क्लियरली समझ में आएगा जैसे मैं इस टेबल की बात करूं इस टेबल में ओ आई है ऑर्डर डेट है ऑर्डर प्राइस है कस्टमर है जरा लिख लेते हैं इसको ठीक है सो ओ आई है है कॉमन लिख लूंगा ठीक है कॉमन लिख लूंगा ग्रुप अलग अलग बना दूंगा ऑर्डर डेट ऑर्डर प्राइस है ना सॉरी ऑर्डर डेट ठीक है ऑर्डर डेट और फिर नेक्स्ट है ऑर्डर प्राइस ठीक है फिर नेक्स्ट है ऑर्डर ठीक है ऑर्डर प्राइस और फिर लास्ट है कस्टमर ठीक अच्छा, है अच्छा डैश नहीं इनके बीच में चलो कोई बात नहीं फिर नेक्स्ट है कस्टमर मतलब डैश वैश अभी नाम के चक्कर में मत पड़िए आप समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको अब मैं चाह रहा कि भाई कस्टमर के बेसिस पे ग्रुप कर दो कस्टमर कॉलम के बेसिसन हानसेन हानसेन तीन हानसेन देखने को मिल रहा है इनको एक साथ ले आओ तो क्या आ जाएगा वन टू थाउजेंड एट चलो लिखते है फिर टू थाउजेंड एट इलेवन ट टू थाउजेंड एट और 1000 थाउजेंड एंड हानसेन वन थाउजेंड एंड हानसेन ये पहली वैल्यू हो गई अब मैं चाह रहा हूं कि भाई दूसरी वैल्यू नीलसन ना आए, हानसेन ही एक साथ ग्रुप हो जाए तो मैं हानसेन ही वापस ला रहा हूं थ्री टू थाउजेंड एट नाइन टू थ्री टू थाउजेंड एट नाइन टू है ना मोस्ट प्रोबेबली। इन टू सेवन हंड्रेड एंड हानसेन ठीक है नाइन टू भूल गया टू सेवन हंड्रेड एंड हानसेन सेवन हंड्रेड एंड हानसेन नेक्स्ट इसके बाद है हनसेन कहा यहां पे फिर नेक्स्ट आ गया फोर्थ टू थाउजेंड एट नाइन थ्री ठीक है थ्री हंड्रेड वाले उसमें फोर टू थाउजेंड एट

23 अब एक्चुअली ये हो नहीं रहा है ऐसा कुछ ग्रुपिंग हो नहीं रही बट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं ये चीज तो पहले जरा समझने पे ध्यान दो फिर कहानी समझ में आ जाएगी आपको निलसेन ठीक है निलसेन सो वेयर वी वर वेयर वर वी 1600 निलसेन नेक्स्ट निलसेन ये आ जाएगा 628104 6 2008 104 2008 104 हंड्रेड एंड एंडसन ठीक है और फिर लास्ट क्या हो जाएगा आपका फिर जेंसन आ जाएगा विच फाइव टू एट एट टू थाउजेंड एट एट थर्टी टू थाउजेंड टू थाउजेंड एंड जेंसन एंड जेंसन ठीक है ये कहानी है अब मैं क्या चाह रहा हूं मैं चाह रहा हूं कि भाई ये एक ग्रुप साथ में बन गया है ना ये एक ग्रुप साथ में बन गया ठीक है और ये एक ग्रुप साथ में बन गया किस बेसिस पे तो भाई बेसिस है ये ठीक है यहां सेन सेम वैल्यू नील सेम वैल्यू जेन सेम वैल्यू तो सेम वैल्यू वाले जो है साथ में आ गए अब बेसिकली मैं क्या कर सकता हूं अब इस ग्रुप के बेसिस पे मैं कोई भी आंसर कर सकता हूं इस ग्रुप के बेसिस पे कोई भी आंसर कर सकता हूं ऑल मुझे हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये इस तरीके से ग्रुप अब जो ग्रुप बाय है बेसिकली वो ये काम करेगा ग्रुप बाय जो क्लॉज है वो ये काम करेगा ग्रुप बनाने का अब सेलेक्ट से मेरे ऊपर मैं क्या सेलेक्ट करना चाहता हूं अब मैंने ऐसे ग्रुप बना के अगर ऑर्डर प्राइस को फेच कर लिया तो दिक्कत वाली बात है क्यों दिक्कत वाली बात है भाई यहां पे तीन वैल्यूज एग्जिस्ट करती है क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती है क्या आउटपुट आएगा दिक्कत है यहाँ पे एक वैल्यू एग्जिस्ट कर चलो ये तो फिर भी आ जाएगा बट यहां डायलेमा आ जाएगा ना प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है ऑर्डर आई को सपोज मैंने कर दिया तो वन थ्री फोर डायलेमा है दो वैल्यूज सॉरी तीन वैल्यूज दो वैल्यूज एक वैल्यू क्या आउटपुट करे उस पर्टिकुलर

मुझे ऑर्डर प्राइस का सम बता दीजिए जैसे पूछा भी गया है हर कस्टमर का सम ठीक है मतलब टोटल सम ऐसे ही निलसेन के लिए इन दोनों वैल्यूज का सम करके अगर कर मैं दे दूं तो क्या हो जाएगा सिंगल वैल्यू हो गई इस ग्रुप के लिए इसका सम करके तो एक ही हो गई तो इसका आंसर एक ही हो जाएगा मैं आपसे कह दूं भाई इसका मैक्सिमम बता दो अब

द ग्रुप बाय क्लॉज कंबाइन ऑल दोज रिकॉर्ड दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यूज इन अ पर्टिक्यूलर फील्ड और अ ग्रुप ऑफ फील्ड तो ग्रुप बाय क्लॉज क्या कर रहा है कंबाइन कर रहा है हर रिकॉर्ड को हर रिकॉर्ड को मतलब हर रो को हर रो को कंबाइन करने का काम कर रहा है दैट आइडेंटिकल वैल्यूज जिनकी वैल्यूज सेम है जिनकी वैल्यू सेम है कहां पर जिनकी वैल्यू सेम है इन अ पर्टिकुलर फील्ड और अ ग्रुप ऑफ फील्ड एक फील्ड में या कुछ ग्रुप ऑफ फील्ड्स में जहां पे वैल्यू सेम है तो उसका ग्रुपिंग करने का काम कर रहा है इस तरीके से ग्रुप बाय क्लॉस

मतलब हर जो भी मैंने ग्रुपिंग करी हाथ नीलसन और जेनस इनका मैक्सिमम ऑर्डर प्राइस चाहिए तो वन थाउजेंड हो गया सिक्सटीन हंड्रेड हो गया टू थाउजेंड हो गया तो कुछ आउटपुट आ रहा है ना वही चीज वो कहना चाह रहे हैं समरी रिकॉर्ड बन जाएगा इन अदर वर्ड्स द ग्रुप बाय क्लॉस इज यूज इन सेलेक्ट स्टेटमेंट टू डिवाइड द डिड दू ग्रुप तो ग्रुप बाय क्लॉस बेसिकली क्या करता है सेलेक्ट में जो टेबल आप यूज कर रहे हो उसको मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइड करने का काम करता है जो भी अभी हमने किया देखा ठीक है यहां ग्रुप्स है ना तीन ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं यहां पे तीन ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं ग्रुपिंग करने का ग्रुप्स में डिवाइड करने का काम है। तो कर कर करते हैं वैल्यू फॉर ईच ग्रुप जिसमें एग्रीगेट क्या करता है हर ग्रुप के लिए एक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा जैसे मैंने कहा अगर मुझे यहां पे सम चाहिए तो इस ग्रुप के लिए एक वैल्यू इस ग्रुप के लिए एक वैल्यू इस ग्रुप के लिए एक वैल्यू तो हर ग्रुप के लिए एक वैल्यू चाहिए मुझे ठीक है द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज ऑफन यूज एग्रीगेट फंक्शन जैसे कि काउंट मैक्स मिन सम एवरेज एक्चुअली जो uh, aggregate functions है, जो एग्रीगेट भी हमने देखे वो ग्रुप्स पे ही काम करने के लिए बनाए गए हैं बेसिकली इससे पहले जो हमने इसको ग्रुप दिया वो एक ही ग्रुप दिया पूरा टेबल दिया था तो उसने पूरे टेबल के हिसाब से मुझे आउटपुट कर दिया था बट इसका जो बेसिक काम है जो मेन काम है वो ये है कि uh, अलग अलग ग्रुप्स में रिकॉर्ड को आगे आउटपुट करने का ठीक है जो भी हमने देखा ये चीज है ना इस तरीके से ठीक है अब इसका क्या है तो देखो सेंटेक्स बहुत आसान से क्या करना है सेलेक्ट करना है कॉलम को या किसी भी उसमें जो भी आपको फंक्शन को सिलेक्ट करना है यहां पे कोई भी एग्रीगेट फंक्शन हो सकता है जो भी आप करना चाहते हो सम करना चाहते हो एवरेज करना चाहते हो जो भी करना चाहते हो काउंट करना चाहते हो और जिस कॉलम को आप चाहते हो अच्छा ध्यान क्या रखना है यहां पे वही वैल्यूज को सिलेक्ट करना है वही कॉलम्स को या वही एग्रीगेट फंक्शन को सिलेक्ट करना है जो हर ग्रुप का एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करे हर ग्रुप का सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए वही आप यहां पे यूज करोगे उसके बाद फिर सिंपल सा है यूजुअल सा फ्रॉम टेबल नेम जिस भी टेबल में से सेलेक्ट करना है आपको ठीक है तो जिस भी टेबल में से सेलेक्ट करना है वो टेबल नाम डाल देंगे फिर वेयर कंडीशन लिखी हुई मतलब वेयर लिखा हुआ कंडीशन जो कि ऑप्शनल पार्ट है अब बेसिकली ये क्या है तो ये एक कंडीशन है जो आप डाल सकते हो बट ये ग्रुपिंग पे कंडीशन नहीं डाल रहा हूँ आप ये ग्रुप करने से पहले कंडीशन डाल रहे हो जैसे कि मैंने यहाँ पर कंडीशन बिना कुछ कंडीशन डाले ग्रुपिंग कर दिया कि कस्टमर के बेसिस पे ग्रुप कर दो अगर मैं यहीं पे ऐसा कह देता इनसे कि भाई मुझे ये नहीं करना है मुझे ये करना है कि भाई जिनका ऑर्डर प्राइस जिनका ऑर्डर प्राइस फोर से ज़्यादा है उनकी ग्रुपिंग करनी है मतलब 400 से ज्यादा कौन कौन है तो देखो 400 से ज्यादा ये है 400 से ज्यादा ये है 400 से ज्यादा ये है बट ये नहीं है ये है और ये नहीं है तो बेसिकली मुझे चार देख रहे हैं ठीक है जिनकी वैल्यू फोर से ज्यादा तो इन्हीं को मैं सिर्फ ग्रुपिंग में यूज करूंगा मतलब हानसेन के साथ दो वैल्यूज आ जाएंगी हानसेन के साथ क्या होगा हानसेन के साथ दो वैल्यूज आ जाएंगी विच इज वन थाउजेंड एंड सेवन हंड्रेड ठीक है और निल्सन के साथ एक वैल्यू आ जाएगी से कुछ पर्टिकुलर डेटा को एक्सट्राक्ट कर लिया वो काम कौन करता है वो काम आपका करता है clause, क्या करता है कौन करता है वो काम वो काम करता है आपका वेयर क्लॉस वेयर क्लॉस या वेयर कंडीशन में जब आप कंडीशन डालोगे तो बेसिकली क्या करेगा पूरे टेबल में से पूरे टेबल में से एक पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड को फेच करेगा और फिर उस रिकॉर्ड को जो भी फेच किया गया उस पर ग्रुपिंग होगी तो ये ग्रुपिंग करने से पहले है

जिस भी कॉलम के बेसिस पर आपको ग्रुपिंग करनी है वो कॉलम लिख देना है यहाँ मल्टीपल कॉलम्स आ सकते हैं जिसमें जिसके बारे में हम नेस्टेड ग्रुपिंग में बात करेंगे नेस्टेड ग्रुप बाय क्लॉज में हम बात करेंगे आगे फिलहाल यहाँ पे एक ही लिखेंगे अपन ठीक है उसके बाद आप ऑर्डर लिख सकते हो ये भी एक ऑप्शनल है कि आप ऑर्डर बाय क्लॉज लिख सकते हो कि अगर आपको ऑर्डर करना है किसी भी बेसिस पे तो ग्रुप बनाने के बाद ऑर्डरिंग भी आप कर सकते हो जिस भी बेसिस पे आपको ऑर्डर करना है तो बेसिकली ये कुछ सिंटेक्स हो गया तो अगर मैं इस एग्जाम्पल में कहूँ जो हमारा एग्जाम्पल है, है, है तो मैं क्या करूंगा फेच करना है कहां से करना है फ्रॉम ऑर्डर्स फ्रॉम और ऑर्डर्स ठीक है तो ऑर्डर्स टेबल में से मुझे फेच करना है टेबल का नाम ऑर्डर्स है ठीक है ग्रुप किस बेसिस पे करना है मुझे ग्रुप बाय करना है अब मैं कोई कंडीशन तो डाल नहीं रहा हूं कंडीशन तो दी नहीं गई है तो मैं ग्रुप वेयर क्लास स्किप करूंगा ग्रुप बाय कर दूंगा मैं ग्रुप बाय ग्रुप बाय कस्टमर ग्रुप बाय कस्टमर तो कस्टमर कॉलम की मैंने ग्रुप कर दिया ऑर्डर वगैरह मैं लगाऊंगा नहीं अब सीधे सीधे करूंगा अब सेलेक्ट में क्या करना है भाई मुझे तो मुझे सेलेक्ट में डाल पूछा क्या गया है सेलेक्ट में मुझे पूछा गया फाइंड द टोटल सम ऑफ ऑर्डर प्राइस ऑफ ईच कस्टमर हर कस्टमर का टोटल प्राइस चाहिए तो मैं चाहता हूं कि भाई हर कस्टमर का कस्टमर का नाम आ जाए और उसका ऑर्डर प्राइस का सम आ जाए टोटल आ जाए तो बेसिकली कस्टमर का नाम हानसेन टोटल सम इज थाउजेंड कस्टमर कस्टमर का नाम नीलसेन टोटल सम इज वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ठीक है फिर टोटल सही कस्टमर का नाम जेन सेंट टोटल सर्विस टू थाउजेंड ये चाहिए मुझे तो अब ये मैं कैसे कर सकता हूँ मैं लिखूंगा सीधे सीधे कि सबसे पहले तो मुझे कस्टमर फेच करके दे दो कस्टमर फेच करके दे दो और फिर मुझे सम दे दो किसका सम दे दो ऑर्डर प्राइस का समझ में आया तो इस तरीके से जब मैं क्वेरी लिखूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा इसको जरा एक बार चेक करते हैं भाई ठीक है तो क्या यही है यस यही है वी कैन यूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिच इज सेलेक्ट कस्टमर कॉमर्स सम ऑफ ऑर्डर प्राइस फ्रॉम ऑर्डर ग्रुप बाय कस्टमर तो कस्टमर के बेसिस पे ग्रुप किया ऑर्डर की सॉरी ऑर्डर टेबल से सिलेक्ट किया और उसमें से कस्टमर और सम ऑफ ऑर्डर प्राइस को सिलेक्ट कर लिया इसमें एक पॉइंट जो भी अभी अभी मैंने बताया कि जो भी आप आउटपुट करवा रहे हो जो भी आप आउटपुट करवा रहे हो ध्यान रखिएगा सेलेक्ट में वही लिखो जो हर ग्रुप की सेम वैल्यू है मैंने कस्टमर आउटपुट किया कस्टमर हर ग्रुप का सेम ही है ना हांसन है इस ग्रुप का इस ग्रुप का नेलसन है इस ग्रुप का जेनसेन है इस ग्रुप का जो एक ग्रुप का टोटल मतलब ऑर्डर प्राइस का जो सम है वो पूरे ग्रुप का एक ही है इस पूरे ग्रुप का एक ही है इस पूरे ग्रुप का एक ही है मैक्सिमम कहूँ मैं ऑर्डर प्राइस का एक ही है मैक्सिमम कहूँ ऑर्डर प्राइस का एक ही है मैक्सिमम ऑर्डर प्राइस का एक ही है मैक्सिमम कहूँ ऑर्डर डेट का एक ही है मैक्सिमम मिनिमम एक ही है मैं ऑर्डर आई डी कहूं मैक्सिमम मिनिमम सेम ही होगा सम सेम ही होगा तो हर ग्रुप का सेम वैल्यू होनी चाहिए वही मैं सिलेक्ट में डालूंगा यही एक्चुअली आपकी कंडीशनल भी दे रखा है ठीक है तो आपका कि हानसेन जो कस्टमर का नाम है उसका सम इज टू ठीक है जो हमने यहां पे भी देखा कि कस्टमर का नाम हानसेन और फिर टोटल प्राइस विच इज टू फिर कस्टमर का नाम निलसेन टोटल प्राइस इज सेवनटीन ठीक है 1600 प्लस 100 सेवेंटीन 1700 फिर कस्टमर का नाम जेंसन और टोटल प्राइस इज 2000 ये आउटपुट मिल जाएगा बट यहां में आपको चीजों का ध्यान रखना है सेलेक्ट का क्या सेलेक्ट में क्या ध्यान रखना है वो देख लीजिए एक बार जो पॉइंट यहां पे था सो ग्रुप बाय द एग्रीगेट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली टू अ सीरीज ऑफ ग्रुप दैट आर डिफाइंड बाय द सॉरी बाय हैविंग अ फील्ड वैल्यू इन कॉमन ठीक है सो ग्रुप बाय अप्लाई करता है एग्रीगेट फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली टू अ सीरीज ऑफ ग्रुप्स फील्ड वैल्यू इन कॉमन मतलब एग्रगेड फंक्शन किस पर अप्लाई करते हो हर ग्रुप में अप्लाई करते हो बेसिकली एग्रेड फंक्शन का काम ही ये होता है हर ग्रुप पे इंडिविजुअली इसको अप्लाई करने का तो हर ग्रुप पे इंडिविजुअली आप एग्रीगेड फंक्शन लगाने वाले हो और हर ग्रुप का वो एक सिंगल आउटपुट आपको देने वाला है यह बेसिकली आपको काम करना है जो आपको ध्यान रखना है इस चीज का ठीक है फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है बट वन थिंग दैट वी शुड कीप इन माइंड इज दैट वाइल ग्रुपिंग ग्रुपिंग करते समय वी शुड इंक्लूड ओनली दोज वैल्यूज इन द सिलेक्ट लिस्ट दैट ईदर हैव द सेम वैल्यू फॉर अ ग्रुप जिनकी हर ग्रुप के लिए वैल्यू सेम सॉरी ग्रुप में हर चीज के लिए वैल्यू सेम है

ग्रुप बाय स्टेटमेंट यहां हमने ग्रुप बाय स्टेटमेंट लिखा था ना भाई ये ग्रुप बाय स्टेटमेंट लिखा था ना अगर मैं इस ग्रुप बाय स्टेटमेंट को ओमिट कर दूं, फिर, क्या होने वाला? को करने का क्या फिर तो क्या होगा ये देखते हैं। अगर आपने भाई ग्रुप ओमिट कर दिया तो देखो समझो जो क्वेश्चन क्या है क्या है? तो में जाओ ठीक है बड़ी ऑर्डर टेबल में जाओ सेलेक्ट कर लो कस्टमर को सेलेक्ट कर लो ऑर्डर प्राइस को ऑर्डर प्राइस के सब को सिलेक्ट कर लो और कस्टमर को सेलेक्ट कर लो अब कोई भी ग्रुपिंग वगैरह नहीं हुई है क्योंकि ग्रुप बाय क्लॉज गायब है तो ये जो ग्रुपिंग आपने बनाई है गायब हो गई ये जो ग्रुपिंग है ये हो चुकी है है गायब ग्रुप नहीं आपका पूरा अब जो पूरा टेबल है वो एक ग्रुप है तो सम ऑफ ऑर्डर प्राइस में क्या होगा आपके जो पूरा सम है इसका आउटपुट आएगा विच इज वन थाउजेंड प्लस सिक्सटीन हंड्रेड प्लस सेवन हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड प्लस टू थाउजेंड प्लस वन हंड्रेड विच इज वॉट एक बार सम भी कर लेते हैं ठीक है तो वन थाउजेंड डायरेक्ट ही कर लेता चलो वन थाउजेंड या लिख लेता चलो कंफ्यूज मत होना ठीक है तो जीरो जीरो फिर आ गया सेवन थ्री टेन वन इलेवन सिक्सटीन सेवनटीन आ गया ठीक है सेवन थ्री टेन इलेवन इलेवन सिक्स सेवनटीन फिर टू थ्री फोर फाइव तो फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड आ गया तो ऑर्डर प्राइस का टोटल क्या है सिंगल वैल्यू तो तो आ, आ रही बट जब मैं इसमें से कस्टमर्स को फेच कर रहा हूं तो कस्टमर्स में से क्या आ रहा है कस्टमर में से तो भाई आपके सारे कस्टमर्स है ना यहां पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स वहां पे एक सिंगल रिकॉर्ड फंस गई ना बात यही फंसने वाली सिचुएशन हो जाती है इसमें तो इस सिचुएशन में आउटपुट क्या आता है तो कुछ आपका आउटपुट ऐसा रहेगा अब ये क्यों आउटपुट आया तो यहाँ पे समझिएगा चीज को कि क्या होने वाला है बेसिकली इसके बारे में डिस्कशन आगे भी करेंगे बट ये ऐसा क्यों हुआ यहां पे हमारे पास है सिंगल वैल्यू सम के लिए क्या है मेरी सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करती है ठीक है बट जब मैं कस्टमर्स की बात करूं कस्टमर में कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं तो कस्टमर में तो आपके पास यार बहुत सारी वैल्यूज है ना एक दो तीन चार पाँच छह वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं तो अब मुझे बताओ एक टेबल ऐसा कैसे बनेगा कि छह रोज हो एक कॉलम में और एक में सिर्फ एक ही हो ऐसा तो नहीं हो सकता ना तो क्या होता है कि जो सिंगल वाला होता है उसको प्रायरिटी दी जाती है उस सिंगल के साथ इस एक को मर्ज कर दिया जाता है अब छह में से किस एक को लिया जाए तो यूजुअली इस एक में आ जाता है सबसे पहला नाम विच इज यहाँ पे सबसे पहला कस्टमर कौन है हान तो सबसे पहला नाम उठा लिया जाएगा यहां पे विच इज व्हाट विच इज हेन तो ये आउटपुट आपका देखने को मिलता है ठीक है तो ये बेसिकली पूरी कहानी आपकी ग्रुप बाय क्लास की जो बेसिक टर्म चीजें हैं जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप बाय क्या करता है ठीक है तो इसलिए हमेशा सजेस्ट भी किया जाता है कि कभी भी ग्रुप बाय फंक्शन ग्रुप बाय फंक्शन बिना ग्रुप बाय के यूज मत करो और अगर आप कर रहे हो तो उसके साथ कोई और कॉलम को यूज ना करो ठीक है अब इसी के ऊपर और डिस्कशन सॉरी इसके ऊपर और डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि अगर ये जो ग्रुप बाय फंक्शन हम कह रहा हूं ग्रुप बाय फील्ड जो मैं कह रहा हूं वो डालना जरूरी है इसके अलावा अगर हमने कोई और डाल दे तो क्या होने वाला है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे ठीक है फिलहाल हम जरा फटाफट चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे क्योंकि जो अभी तक तो हमने सीखा है इसको भी तो प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना है तो फटाफट चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको प्रैक्टिकली इस चीज को इंप्लीमेंट करके मैं दिखाता हूँ ठीक है चलिए ओके गाइस सो अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या क्या देखने वाले हैं देखने वाले हैं ग्रुप बाय क्लॉज को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम तो सपोज़ हमारे पास कोई भी एक डेटा है जिसमें हमें ग्रुपिंग करनी है किसी भी कॉलम के बेसिस पे और उस पर अलग अलग फंक्शन रन करने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं वो चलिए हम देखते हैं तो यार उसके लिए मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो सर्विसेज पर चलूंगा है ना सर्विसेज पर चल लूंगा मैं सर्विसेज पर पहले सबसे पहले मैं अपना ज़रा फॉन्ट देख लेता हूँ है ना कि ये फॉन्ट कैसा है मेरा फॉन्ट प्रॉपरली विजिबल होने चाहिए राइट एंड आई होप थिंग्स वुड बी विजिबल नाउ चलो माई सीकुल पे चलेंगे माई सीक्ल ओके मेरा ऑलरेडी मेरा सर्वर चल रहा है वेल एंड गुड चलूंगा मैं वर्क बेंच पर वर्क बेंच ओपन कर लूँगा मेरा वर्क बेंच मैंने ओपन कर लिया लोकल इंस्टेंट से कनेक्ट कर दूंगा मैं डाल दूंगा पासवर्ड अब मैंने देखो यार सबसे पहले तो मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा इस ग्रुपिंग को समझने के लिए डिटेल में हम एक टेबल क्रिएट करेंगे उस टेबल का डेटा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको दे रखा है है ना यहाँ पे आप उसका डेटा देख सकते हैं थोड़ा सा पीसी मेरा हैंग हो गया आई थिंक सो इट्स नॉट ट्रस्पॉन्डिंग ओके नाउ इट रेस्पॉन्डेड चलो तो ये मेरा डेटा हो गया ठीक है तो ये मेरा डेटा है एक एक मैंने डाल रखा तो जब मैं इंसर्ट करूंगा वैल्यूज को तो सीधे सीधे यहाँ से, से कॉपी पेस्ट मार लूंगा ऑल तो यहाँ मुझे कमी दिख रही है यार हर उसके आगे कॉमा होना चाहिए था वो नहीं है तो अच्छा एक काम हम ये कर सकते कि कर हैं कि इसी में करें या फिर देखो एक स्मार्ट वर्क कभी भी अगर मल्टीपल एडिट्स करने हैं आपको तो ऐसे मत करो भाई वी एस कोड का यूज़ करो ठीक है तो वी एस कोड में मैं ओपन कर लूँगा इस फाइल को ठीक है इस फाइल को मैंने वी एस कोड में ओपन कर लूँगा और मैं मल्टी कर्सर का यूज़ करूँगा कर्सर से काम हो जाता है मेरा जल्दी राइट तो मल्टी कर्सर मैंने आपको सिखा रखा है वी एस कोड का एक फीचर ये वाला है ना तो इसको यूज़ करिए स्मार्टली वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है तो ये पड़ी हो गया देखो सब मैं क्रिएट अब मैं क्या करूँगा इसको सेव कर दूँगा बस वेल एंड गुड तो ये मेरा डेटा रेडी है तो अब सबसे सब पहले मैं क्या करूँगा एक डेटा बेस क्रिएट कर लूँगा है ना डेटा बेस क्रिएट करके टेबल क्रिएट करके मैं क्या करूँगा उसमें फिर वैल्यूज़ ऐड करके फिर आपको ग्रुप बाय सिखाऊंगा तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ डेटा बेस को है ना क्रिएट कर लेता हूँ डेटा बेस को ठीक है और डेटा बेस का मैं नाम रख दूँगा भाई एम्प्लॉय एम्प्लॉय ठीक है तो एम्प्लॉय मेरे डेटाबेस का नाम हो गया फिर मैं लिखूंगा यूज एम्प्लॉय है ना एम्प्लॉय डेटाबेस को मुझे यूज भी करना है भाई ठीक है फिर मैं क्या करूंगा क्रिएट कर लूंगा क्रिएट टेबल टेबल का नाम होने वाला है ई एम पी एल है ना ई एम पी एल एम्प्लॉय ई एम पी एल एम्प्लॉय और इसका कुछ स्कीमा ऐसा रहेगा कि इसमें कॉलम्स रहेंगे तो सबसे पहला रहेगा ई एम पी नंबर एम्प्लॉय नंबर जो किस टाइप का होने वाला है जो होने वाला है एंट टाइप का और ये प्राइमरी की बनने वाला है यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा ठीक है तो एम्प्लॉय नंबर बना दिया मैंने एंट टाइप का प्राइमरी की नेक्स्ट फिर मैं ले लूँगा ई e नेम है ना एम्प्लॉय का नाम और ये रहेगा आपका वैर केयर ठीक है और वैर केयर में काम करूँगा मैं फिक्स कर देता हूँ ट्वेंटी फाइव जितने भी कैरेक्टर्स आएंगे मतलब नाम वाम वाले तो उसको ट्वेंटी फाइव वैर क्या रख दूँगा ठीक है फिर नेक्स्ट मैं बना दूंगा जॉब ठीक है जॉब भी क्या होने वाला है भाई जॉब भी वेर केयर होने वाला है वेर केयर ऑल छोटा रहने वाला है वेर केयर बट ठीक है मैं इसको भी ट्वेंटी फाइव कर दूंगा फिलहाल फॉर फॉरना क्योंकि हम चीज़ सीख कुछ और रहे हैं फिलहाल उस पर फोकस करेंगे फिर मैनेजर कौन होने वाला है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है तो मैनेजर की आई डालने वाले बेसिकली हम तो इसमें भी इंट आ जाएगा आई में मैनेजर आई है ना फिर नेक्स्ट मैनेजर के बाद आ जाएगा आपका हायर डेट ठीक है तो हायर डेट की कब हायर किया गया एक एम्प्लॉय को तो हायर डेट आ जाएगी और किस फॉर्मेट में डेट फॉर्मेट में आ जाएगी सिंपल सी बात है ठीक है फिर हम डालेंगे इसकी सैलरी तो साल के नाम से सैलरी डाल देंगे सैलरी और सैलरी बेसिकली रहने वाली है डेसिमल मतलब मैं डेसिमल या निमारिक फार्मेट को डाल सकता हूं तो फिलहाल मैं डालता हूँ डेसिमल फार्मेट में अब डेसिमल में मैं इसको क्या करने वाला हूँ दो डेसिमल्स हमेशा शो करने वाला हूँ तो मैं क्या करूंगा कि टोटल डिजिट्स कितने आने वाले वो स्पेसिफाई कर दूंगा सपोज टेंथ स्पेसिफाई कर दूंगा ठीक है एट डिजिट की सैलरी बहुत ज़्यादा हो गए बट ठीक है चलो डाल दी दो डेसिमल्स होने वाले तो इस तरीके से कुछ इसका डेटा बेस मतलब का फॉर्मेट हो गया सैलरी के बाद मैं डाल दूंगा कमीशन है ना कमीशन सी ओ एम एम के नाम से कमीशन अगेन ये भी डेसिमल ही रहने वाला है और ये भी मैं कमीशन भी बहुत ज़्यादा ही चांसेस कम है दस होने के बट मैं सेम डाल देता हूँ है ना विच इज टेन कॉमर टू मतलब दस टोटल डिजिट जिसमें से दो जो है डेसिमल के बाद वाली रहेंगे ठीक है इसके बाद नेक्स्ट डाल दूंगा मैं डिपार्टमेंट नंबर डी ई पी टी नंबर डिपार्टमेंट नंबर और ये बेसिकली होने वाला है

ठीक है परफेक्टली रहूंगे तीनों कमांड्स कोई दिक्कत नहीं है हमें तीनों कमांड्स रन करने में परफेक्टली तीनों कमांड्स रन हो चुके हैं ठीक है वेल एंड गुड अब मैं क्या करूँगा इसमें वैल्यूज को इंसर्ट करूंगा ठीक है तो मेरा जो मेन काम अब है वो है वैल्यूज इंसर्ट करना तो मैं करूंगा इंसर्ट इन टू ई ई एम पी एल ई एम पी ई एम पी एल और करना क्या है मुझे वैल्यूज इंसर्ट करनी है वैल्यूज ठीक है अब वैल्यूज में क्या करूंगा भाई आगे से कॉपी करने वाला हूँ कहाँ से देखो यहाँ से डेटा में जाके ठीक है मेरा पीसी थोड़ा सा हैंग हो गया लेट इट रेस्पॉन्ड नॉट रेस्पॉन्डिंग स्टेज में चला गया ओके डेटा दिस इज द डेटा कॉपी किया ठीक है uh, कहाँ पे थे हम लोग वार्क बैच पे थे राइट इसमें पेस्ट कर दिया मैंने ठीक है परफेक्टली पेस्ट हो गया अब देखिए जो रेड लाइन आ रही थी वो भी चली गई है तो ये मेरा पूरा डेटा हो गया इसको मैं क्लोज़ कर दूंगा तो मुझे रेड लाइन भी कहीं नहीं दिख रही फ़ॉर ना हो ठीक है इसको मैं रन करके देखता हूँ कोई एरर आता है कि नहीं आता लेट्स रन दिस दॉफ्टवेयर नहीं आया परफेक्टली डेटा इंसर्ट हो चुका है है ना और एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे हम एम्प्लॉ टेबल में चलेंगे ई एम पी एल दिख रहा है इसको रन करेंगे तो देखिए आपके पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है ठीक है तो अगर आप देखो तो यहाँ पे सारा पूरा डेटा जो भी था वो आ चुका है प्रॉपरली पूरा पुट फॉरवर्ड हो चुका है अब यहाँ पे हम बेसिकली सीखने वाले हैं क्या यहाँ पे हम सीखने वाले हैं ग्रुप बाय बैकलॉज को

कितने लोग हैं जैसे कि अगर आप देखो तो यहाँ एम्प्लॉय नंबर लिखा हुआ है सबका एम्प्लॉय नंबर यूनिक होने वाला है नाम लिखा हुआ है नाम भी काफ़ी हद तक चांसेस है यूनिक होने वाला है ठीक है काफी हद तक चांसेस है कि यूनिक ही होने वाला है ठीक है अब इसके बाद फिर क्या है जॉब अब जॉब रोल्स का मुझे रिपीटेड दिख रहे हैं मुझे सेल्समैन दो दिख रहे हैं ठीक है सेल्समैन एक और तीसरा हो गया ठीक है फिर मैनेजर दो हो गए ठीक है फिर सेल्समैन एक और हो गया क्लर्क दो हो गया अभी पहले भी देखा था मैंने यहाँ पर भी क्लर्क है फिर एनालिस्ट दो दिख रहे हैं यहाँ पे ऐसे जॉब रोल्स मल्टीपल हैं अब सपोज ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना क्या पूछ सकता है कि बता दो भाई एक पर्टिकुलर कंपनी में एक पर्टिकुलर जॉब रोल से के रिस्पेक्ट में कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो अब इसी क्वेश्चन को हैंडल करने का काम हम करने वाले हैं किसकी मदद मतलब से ग्रुप बाय क्लॉस की मदद मतलब से बेसिकली हम क्या करेंगे हम काउंट करेंगे ठीक है अब जैसे सपोज मैंने अगर यहाँ पे ऐसा किया होता कि सीधे सीधे मैंने काउंट लगा दिया होता कि भाई मुझे काउंट करके दे दो कि कितने आपके जॉब रोल वाले हैं तो यार देखो सिंपल सी बात है जब मैं जॉब रोल को काउंट करूंगा तो मेरे पास पूरा काउंट आ जाएगा ठीक है मुझे पूरा नहीं चाहिए मुझे हर हर जॉब रोल के रिस्पेक्ट में काउंट चाहिए तो मैं हर जॉब रोल के रिस्पेक्ट में कैसे काउंट कर सकता हूं वो देखने वाला हूँ ठीक है तो बेसिकली ये चीज बहुत आसान है ठीक है तो जैसे मैं क्या कर सकता हूं अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा पहले तो अब सेलेक्ट क्या करूंगा वो अपन बाद में देखेंगे पहले एक काम करेंगे पहले हम आगे बढ़ेंगे फ्रॉम सेलेक्ट करेंगे तो फ्रॉम मुझे कहाँ से सेलेक्ट करना है मुझे करना है ई एम पी एल टेबल से है ना ई एम पी एल टेबल में से ठीक है तो ई एम पी एल से सेलेक्ट करना है मुझे और अब यहाँ पे मुझे एक सबसे पहले सेलेक्ट फ्रॉम कर दिया अब इसके बाद मुझे कमांड डालना है विच इज़ मैं जा सकता हूँ बीच में वेयर क्लॉज डालना विच इज़ ऑप्शनल अगर आप चाहो तो यहाँ पे वेयर क्लॉज डाल सकते हो इफ़ यू वॉन्ट बट इट इज़ नॉट कम्पल्सरी के डालने ही डालना आपको दैट इज़ ऑप्शनल वेयर क्लॉज डालना इज़ ऑप्शन कंप्लीटली ऑप्शनल ठीक है तो वेयर वाला हम देखेंगे अभी फिलहाल हम सीधे सीधे ग्रुप बाय रन करते हैं और ऑर्डर बाय भी बाद में देखेंगे फिलहाल हम सीधे सीधे ग्रुप बाय करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे जितना भी डेटा है इसको ग्रुप में बना के दे दो अब कैसे ग्रुप में बना के दे दो भाई ग्रुप में जिस तरीके से बना के दे दो कि मुझे यहाँ पे जितने भी आपके रोल्स दिख रहे हैं जॉब रोल्स दिख रहे हैं जैसे मुझे दिख रहा है क्लर्क है सेल्समैन है मैनेजर है इन सबको एक साथ ग्रुप कर दो क्लर्क वालों को साथ में ले आओ मैनेजर को साथ में ले आओ सेल्समैन को साथ में ले आओ तो ये काम कर दो अब ये काम आप कैसे कर सकते हो तो वही हम सीखने वाले हैं फिलहाल तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है ग्रुप बाय क्लॉस की अब ग्रुप बाय क्लॉस बेसिकली करता क्या है तो ग्रुप बाय क्लॉस आपका जो भी रोल्स है उसके हिसाब से उनको ग्रुपिंग करने का काम कर देता है अब जैसे यहाँ पे मैं ग्रुप बाय करूँ तो ग्रुप बाय मैंने यहाँ पे डाल दूंगा क्या जॉब ठीक है ग्रुप के डाल बैके डालूंगा यहां डाल दूंगा जॉब जॉब को कॉलम है जॉब तो जॉब के हिसाब से मुझे ग्रुप करना है ग्रुप करने के बाद मैं जो भी चाहे सेलेक्ट कर सकता हूँ जैसे कि मैं अभी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ फिलहाल एक काम करता हूँ मैं जॉब को ही क्वेरी कर लेता हूँ अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया भी था स्लाइड्स में कि जो भी आप यहाँ पे ग्रुप कर रहे हो जिस भी रिस्पेक्ट में कर रहे हो वही यहाँ पे आना चाहिए या फिर जो कॉमन चीजें हैं वो आनी चाहिए नंबर के बेसिस पे मतलब मैं कुछ और नहीं डाल सकता कोई और कॉलम में नहीं डाल सकता उसके बारे में कैसे उसको एड्रेस करते हैं वो हम आगे देखेंगे ठीक है नॉन ग्रुप कॉलम्स नहीं डाल सकते तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूं यहाँ पे फिलहाल मैं डालता हूँ जॉब ही ठीक है तो जॉब ही डालूंगा तो बेसिकली क्या आएगा ग्रुप हो गए सिर्फ जो यूनिक जॉब्स हैं वो मेरे पास आ जाएंगे ठीक है तो अब देखिए जैसे मैं इसको रन करूंगा तो क्या आएगा है ना इसको क्लोज करके अब मैं इसको जब रन करूंगा तो सी वट विल हैपन तो मेरे पास जितनी भी यूनिक जॉब्स हैं वो आ चुकी हैं क्या क्या देखो क्लर्क एक यूनिक जॉब है मैनेजर सेल्समैन एक यूनिक जॉब है मैनेजर है प्रेसिडेंट है एनालिस्ट है तो बेसिकली एक दो तीन चार पाँच मेरे पास पांच जॉब रोल्स आ गए पांच जॉब रोल्स आ गए जो क्या हैं यूनिक हैं तो पांच मेरे पास यूनिक जॉब रोल्स आ चुकी हैं क्या चुके हैं पांच मेरे पास यूनिक जॉब रोल्स आ चुकी हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं तो ये पांच यूनिक जॉब रोल्स आपके पास आ गए ठीक है अब बेसिकली मैं ये चाह रहा हूं हूँ मुझे इन पर्टिकुलर पांच यूनिक जॉब रोल्स का मैं क्या करूंगा मुझे इनसे कुछ काम नहीं है मुझे जानना है कि मुझे बता दो तो कितने लोग हैं कितने लोग हैं यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर जॉब रोल पर एग्जिस्ट करते हैं जैसे सपोज मैं कहूँ क्लर्क वाले मैंने कहा तो क्लर्क वाले मुझे दिख रहे हैं एक दो तीन ठीक है और चार चार क्लर्क मुझे दिख रहे हैं तो मुझे बता दो क्लर्क रोल पे कितने हैं सेल्समैन रोल पे कितने जैसे ये सिंपल सा डेटा है तो इसमें तो आप काउंट कर पा रहे हो डेटा बड़ा हो जाएगा तो ये काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो अब ये काम कैसे कर सकते हो तो ये हम देखते हैं तो अब इसके लिए बस आपको क्या करना है अब आपको ग्रुप बाय वही करना है। मतलब पहले तो फ्रॉम में से फ्रॉम ई एम पी एल से ही क्वारी करना है ग्रुप बाय करना है ग्रुप बाय करना है जॉब रोल से ठीक है जॉब रोल से ग्रुप बाय करना है अब इसमें सेलेक्ट से क्या करने लेना तो से कर लेना है बेसिकली आपको तो सेलेक्ट कर लेना है आपको अब देखो कायदे से आप सिर्फ काउंट कर सकते हो जॉब से क्योंकि आपने कर लिया एक बार काउंट करके मिल जाएगा बट ये भी तो, तो पता चले कि किसकी है तो हम क्या करेंगे जॉब कॉरी करेंगे मतलब हमारे पास जॉब्स आएंगे लिखी हुई क्लर्क मैनेजर सेल्समैन प्रेसिडेंट एनलिस्ट इस तरीके से जॉब रोल्स लिख के आएंगे साइमिलटेनियसली मेरे पास इसी में इनका काउंट भी लिख के आएगा तो मैं लगा दूंगा काउंट स्टार ठीक है तो काउंट स्टार बेसिकली क्या करेगा काउंट स्टार आपको काउंट करके दे देगा क्या काउंट स्टार आपको काउंट करके दे, दे देगा एक पर्टिकुलर जॉब रोल का देखो काउंट स्टार हमने पढ़ रखा है अगर हम कुछ भी नहीं लगाते मतलब जॉब हटा देते कुछ भी नहीं लगाते सीधे सीधे काउंट स्टार करते तो क्या होती कहानी तो ये होता कि मेरे पास जितने पूरे टेबल है अब उस टेबल को एज अ वन ग्रुप माना जाता और उस हिसाब से कॉलम्स को आपको रिट्रीव करके दे दिया जाता कि कितनी रोज है ठीक है कितनी रोज है काउंट स्टार वो रिट्रीव करके दे देता क्योंकि वो पूरे टेबल को एक ग्रुप मानता बट काउंट स्टार बेसिकली है क्या काउंट स्टार बेसिकली है एक aggregate function, group by function. तो ये ग्रुप पे काम करता है, ठीक है तो जो हमने हाँ पे पे फिलहाल के नाम पे ग्रुप बना है, 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 मतलब वाले वाले एक ग्रुप है, ये, वाले एक ग्रुप है, उनके नंबर को काउंट करने का काम करेगा काउंट स्टार जरा इसको रन करके दिखाता हूं आपको तो और बेटर समझ में आएगा जैसे मैंने रन किया तो सी क्या हुआ तो क्लर्क के कितने हैं फोर हमने काउंट भी किए थे क्लर्क के कितने थे वन टू थ्री एंड फोर तो फोर क्लर्क दिख रहे हैं आपको देर आर फोर क्लर्क तो यहाँ पे इन्होंने क्या रिट्रीव कर दिया फोर क्लर्क रिट्रीव कर दिया ठीक है इसी में अब आप क्या कर सकते हो एक सेल्समैन भी देख सकते हो एक दो तीन है ना फिर चार फिर बस सेल्समैन मुझे चार ही दिख रहे हैं चार सेल्समैन दिख रहे हैं तो सेल्समैन भी चार ही हैं मैनेजर देखते हैं भाई मैनेजर कितने है? तो मैनेजर एक दो तीन यहाँ पे मैनेजर्स नहीं हैं ऊपर यहाँ पर भी मैनेजर्स नहीं है तो दे रहे है थ्री मैनेजर्स तो मैनेजर्स कितने भाई तीन हैं प्रेसिडेंट कितने हैं तो प्रेसिडेंट सॉरी ये मैंने गलती से इसको सॉर्ट कर दिया नॉट इट वाला प्रॉब्लम इसको मैं क्या करूँगा फिर से कर दूंगा ठीक है चले तो मैं बेसिकली क्या देख रहा था प्रेजिडेंट देख रहा था प्रेजीडेंट ये रहा एक है ना प्रेजिडेंट एक ये रहा और मुझे ऊपर कोई भी प्रेजिडेंट नहीं दिख रहा है तो एक ही प्रेजिडेंट एग्जिस्ट करता है तो प्रेजिडेंट एक ही है एनालिस्ट कितने हैं एनालिस्ट देख लेते ज़रा है ना तो एनालिस्ट 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 ये रहा है ना और एक ये रहा दो एनालिस्ट दिख रहे हैं मुझे दो ही एनालिस्ट यहाँ पर भी हैं तो दो एनालिस्ट हो गए समझ में आया तो आपने एक तरीके से ग्रुप बना के रिटर्न करते कि क्या काउंट है तो इस तरीके से आप ग्रुप बना के रिटर्न कर सकते हो काउंट की क्या है आप इवन और भी बहुत सारे काम कर सकते हो कैसे कर सकते हो भाई और क्या क्या काम कर सकते हो जैसे मैं अगर आपसे पूछ दूं कि भाई मुझे सैलरी सैलरी का का सम बता का सम बता बता दो दो ग्रुप के हिसाब से मतलब क्लर्क की या तो एवरेज सैलरी पूछ सकते हो कि एवरेज सैलरी क्लर्क की क्या है सेल्समैन की एवरेज सैलरी क्या जैसे सपोज क्लर्क के बहुत सारे रोल्स हैं जैसे एक क्लर्क ये चार क्लर्क हमने देखे थे ना एक दो तीन चार चार क्लर्क दिख रहे हैं मुझे अब सबसे नीचे वाले क्लर्क की थर्टीन हंड्रेड है इस क्लर्क की नाइन फिफ्टी है इस क्लर्क की वन थाउजेंड वन हंड्रेड है ठीक है इस क्लर्क की एट हंड्रेड है अब मुझे क्या चाहिए भाई मुझे इस हिसाब से मुझे एवरेज चाहिए कि भाई बता दो कि ये जो क्लर्क की एवरेज सैलरी कितनी है क्योंकि अलग लगाती है ना तो क्या मैं एवरेज सैलरी निकालने का काम कर सकता हूँ भाई बिल्कुल कर सकता हूँ कैसे कर सकता हूँ अगेन फ्रॉम लगाऊंगा फ्रॉम ई एम पी एल है ना ई एम पी एल बहुत काम का है भाई बहुत काम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टार्टिंग में मैंने रिपीट किया है थोड़ा सा ट्रिकी है ठीक है और एडवांस क्वेरीज पे हम बढ़ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है तो ध्यान से समझिएगा इसको बहुत ज़्यादा यूज आता है ये जॉब ठीक है हमें जॉब से को क्वेरी करना है सॉरी ग्रुप uh, करना है सेलेक्ट करना है क्या सेलेक्ट करना है मुझे जॉब को ही और मुझे सेलेक्ट करना है एवरेज सैलरी को ठीक है एवरेज ऑफ सैल तो सैलरी का एवरेज सेलेक्ट कर लेना है जब मैं इसको रिटर्न करूंगा तो देखिए क्या आ गया मेरे पास एवरेज सैलरी आ गई तो क्लर्क की एवरेज सैलरी इज़ वन जीरो थ्री सेवन पॉइंट फाइव ठीक है अब जरा हमारे पास वैल्यूज तो नहीं ना जरा निकाल लेते हैं ठीक है ठीके? कि क्या यही है कि नहीं कैलकुलेटर खोल लिया हमने और तो जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सो दिस इज एट हंड्रेड एट हंड्रेड प्लस है ना एट हंड्रेड प्लस दिस इज वन थाउजेंड वन हंड्रेड वन थाउजेंड वन हंड्रेड प्लस ठीक है दिस इज नाइन फिफ्टी नाइन फिफ्टी प्लस ठीक है दिस इज थर्टीन हंड्रेड थर्टीन हंड्रेड प्लस इसको डिवाइड कर देते किससे से फोर से ठीक है वट वुड बी दैट दैट वुड बी वन जीरो थ्री सेवन पॉइंट फाइव ओके यही आया था यस yes, वन जीरो थ्री सेवन पॉइंट फाइव ठीक है so, तो बिल्कुल करेक्ट एग्जैक्ट जो आप निकालते टेबल की मदद से वही वैल्यू आ गई जो आप कैलकुलेटर की मदद से निकाल रहे हो ठीक है और जैसे सपोज मैं क्लर्क के अलावा सेल्स मैन उठा दो जैसे सेल्समैन हो गए सेल्स मैन सेल्समैन है ना सेल्समैन भी चार ही थे ना हमारे चार सेल्समैन थे और देख रहे थे ऑल सेल सेल्समैन है क्या नहीं और सेल्समैन नहीं है ठीक है अब जरा इनकी एवरेज सैलरी निकाल लेते हैं भाई इनकी एवरेज सैलरी कितनी है ठीक तो है तो पहले देख रहे हंड्रेड है ना प्लस वन टू फाइव जीरो प्लस आ, तो इसके थे वन टू फाइव जीरो सिक्सटीन हंड्रेड हो गया है ना और ये वाले के कितने हैं इसके भी वन टू फाइव जीरो है और इसके फिफ्टीन हंड्रेड है वन टू फाइव जीरो प्लस फिफ्टीन हंड्रेड ठीक है इसको फोर से डिवाइड करना हमें फोर्टीन तो हंड्रेड आ गए एवरेज सैलरी ठीक है तो देखो फोर्टीन हंड्रेड दिख रही है एवरेज सैलरी सेल्समैन की एवरेज सैलरी इस फोर्टीन हंड्रेड अब जैसे सपोज मुझे और चाहिए मुझे सपोज अब देखो प्रेजिडेंट दे है तो यही एवरेज सैलरी होने वाली फाइव थाउजेंड ठीक है तो प्रेजिडेंट की फाइव थाउजेंड सैलरी है तो इस तरीके से सारी आपके पास आ गई हर जॉब रोल्स की तो इस तरीके से अगर आपको कभी भी ग्रुप करके क्वेरी करना है तो आप यह कर सकते हो ठीक है अब ऐसे बहुत काम कर सकते हो यार आपको जो भी चीज जाननी है वो आप जान सकते हो मैक्सिमम सैलरी जानी सपोज मैं कहूं यार मुझे हर जॉब रोल के लिए हर जॉब रोल के लिए मैक्सिमम सैलरी बता दीजिए क्या है तो वो भी आप कर सकते हो बहुत ईजी है कैसे तो फ्रॉम चलेंगे फ्रॉम ई एम पी एल है ना ग्रुप बाय करेंगे मतलब ग्रुप बना लेंगे किससे किस कॉलम किस के बेसिस पे जॉब के बेसिस पे ग्रुप बना लेंगे और यहां पे बस आने क्या वाला है आने है सेलेक्ट जॉब कॉमा है ना मैक्स ऑफ सेल सैलरी का मैक्सीम वाल्यू है ना इसको खबरी करते हैं जरा क्या क्या देखो क्लर्क की मैक्सिमम सैलरी थर्टीन हंड्रेड सेल्समन की मैक्सिमम सैलरी है सिक्सटीन मैनेजर की है 2985 प्रेसिडेंट की है 5000 एनालिस्ट की है 3000 थाउजेंड इस तरीके से आपके जॉब रूल्स आ गए अब जरा अगर आपने नोटिस किया हो तो ये जो भी जॉब रूल्स हैं ये आपकी आ, इस मतलब किसी भी ऑर्डर में रन हो जा रहे हैं किसी भी ऑर्डर में आपको शो हो जा रहे हैं अगर आपको इनको एक प्रॉपर ऑर्डर में रन करना तो आप ऑर्डर से शुरुआत करी थी, थी। ठीक है अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मुझे जॉब रूल्स देखने को मिल रहे हैं बट ये रैंडम ऑर्डर में मैं चाहता हूं कि यार ये जॉब के नाम है के बेसिस पे मतलब पहले एनालिस्ट आ जाए फिर क्लर्क आ जाए फिर मैनेजर एल एम एन ओ पी होता है ना तो एम फिर पी फिर एस आ जाए अगर इस तरीके से मुझे चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं इसी को कॉपी करूंगा यहाँ पे एक और एडिशनल पॉइंट मैं जोड़ सकता हूँ विच इज़ ऑर्डर बाय क्लॉस तो मैं डाल सकता हूँ ऑर्डर बाय क्लॉस जिससे मैं ऑर्डर कर दूंगा जॉब के हिसाब से मतलब तो जॉब के हिसाब से अरेंज कर दो जिससे रन किया देखो कि आगे एनालिस्ट आ क्लर्क आ मैनेजर आ गए प्रेजिडेंट आ सेल्समैन आ अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए ठीक है अब आप और भी बेसिस पे जैसे कि सपोज मैंने इसको जब क्वेरी किया था तो क्या हुआ था मेरे पास नंबर आ गया था ठीक है अब मैं जानना चाहता हूं कि यार इसको नंबर के हिसाब से ही मैं अरेंज कर दू जो भी इनका काउंट है है ना मैं नाम के हिसाब से नहीं नाम के हिसाब से भी कर सकता हूं मैं चाहता हूं काउंट के हिसाब से भी करूं तो वो भी कर लेते हैं दोनों ही दिखाता हूं आपको जरा मैं करके ठीक है तो मैं अगर यहां पे कर दू कि मुझे सपोज चाहिए ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय है ना ऑर्डर so बाय मुझे क्या चाहिए भाई ऑर्डर बाय मुझे चाहिए जॉब ठीक है तो जॉब के हिसाब से ऑर्डर कर दीजिए तो जॉब के हिसाब से जैसे मैंने ऑर्डर किया तो क्या आगे एनालिस्ट का पहले आगे क्लर्क का फिर फिर मैनेजर का फिर प्रेसिडेंट का फिर सेल्समैन का क्या यही चीज मैं काउंट स्टार भी लगा के कर सकता हूँ क्या ठीक है यहाँ पे मतलब फंक्शन डाल दूंगा सी ओ यू एन टी काउंट एंड स्टार ठीक है देन वॉट विल हैपन तो आपका देखो काउंट स्टार के हिसाब से आ गया फर्स्ट प्रेजिडेंट फिर एनालिस्ट फिर मैनेजर फिर क्लर्क फिर सेल्समैन ठीक है तो इस तरीके से आप जिस भी बेसिस पर ऑर्डर करना चाहते हो आप ऑर्डर बाय कर सकते हो उस हिसाब से देख सकते हो अब जैसे मैक्सिमम सैलरी है ठीक है या एवरेज सैलरी है कोई भी कहानी ले लो ठीक है मैक्सिमम सैलरी एवरेज सैलरी आपको इनको ऑर्डर करना है उस हिसाब से कि यार जो ज्यादा है उसको पहले रखना है या फिर वो करना है तो वो आप डाल सकते हो कॉपी करो यहाँ डाल दो पेस्ट ठीक है अब मैं यहां पे कर सकता हूं क्या ऑर्डर ऑर्डर बाय बाय एवरेज एवीजी एवरेज ऑफ व्हाट सैलरी तो एवरेज सैलरी से मैंने ऑर्डर कर दिया रन किया तो देखिए क्या आ गया तो मेरे पास पहले क्या है क्लर्क है 1037 फिर 1400 सेल्समैन फिर 2761 मैनेजर फिर एनालिस्ट 3000 फिर प्रेसिडेंट 5000 लास्ट में ठीक है तो हिसाब से अरेंज हो गया इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर में हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है डी एस लगा सकते हैं और जो काम करते हैं अपन ऑर्डर बैक क्लास में हमने सीखा डी ई कर देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा लेट्स रन दिस तो पहले आ गया प्रेजिडेंट फिर आ गया एनालिस्ट फिर आ गया मैनेजर फिर आ गया सेल्समैन फिर आ गया क्लर्क ठीक है तो इस तरीके से आप चीजें अरेंज कर सकते हो जो आई होप आपको समझ में आ गया हो, किस तरीके से आप रन कर सकते हो क्या आपका ऑर्डर बैकलॉस

800 एक साल रखे हुए मुझे सिर्फ उन लोगों को काउंट करना है जिनकी सैलरी 1000 रुपीस से ज्यादा है मतलब ग्रुप पे मैं नहीं कर रहा हूं मैं ग्रुप बनाने के बाद कोई कंडीशन नहीं डाल रहा हूं मैं ग्रुप बनाने से पहले कह रहा हूं कि पहले ही छटाई कर दो इसमें से क्या करो इसमें से इस वाले पार्ट को ही हटा दो ठीक है फिर आपका 1000 से और कम कहां दिख रही है आ, ये दिख रही है तो इसको हटा दो ठीक है इसको हटा दो थ्री थाउजेंड फिफ्टीन हंड्रेड टू एट फाइव जीरो वन टू फाइव जीरो है ना ये दो दिख रहे हैं तो इन दोनों को हटा दो और उसके बाद ग्रुप बनाओ तो बेसिकली क्लर्क में से दो वैल्यूज कम हो जाएंगी क्लर्क की दो वैल्यूज कम हो चाहिए तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ तो मैं ये काम कर सकता हूँ वेयर की मदद मतलब से ध्यान रखिएगा वेयर मतलब ग्रुप करने से पहले हटाना तो इसमें मैं क्या करता हूँ सबसे पहले डालता हूँ फ्रॉम ई एम पी एल मतलब कहाँ से मुझे क्वेरी करना है ठीक है सबसे पहले डाला जहां से आपको क्वेरी करना है अब कंडीशन डालो वेयर वेयर वे तो एक बार आपने छटाई कर ली इसमें से अब ग्रुप बनाओ तो ग्रुप बाय करो ग्रुप बाय करो ठीक है ग्रुप बाय क्या करो ग्रुप बाय कर दो अब जॉब के हिसाब से जिस हिसाब से भी आपको करना है उस हिसाब से जॉब के हिसाब से ग्रुप बाय कर दो और इसमें से फिर सेलेक्ट कर लो सेलेक्ट कर लो सेलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम नहीं सेलेक्ट क्या कर लो सेलेक्ट कर लो जॉब और काउंट स्टार जो भी आपको करना है आप वो चीज कर सकते हो आपने कंडीशन डाल दी है अब क्या उसको आपको जो भी क्वेरी करनी है वो क्वारी कर सकते हो एक बात ध्यान रखना ये जो आप कंडीशन डालते हो ये फंक्शन पे नहीं लग रहा है ग्रुप होने के बाद नहीं लग रहा है ग्रुप होने से पहले लग रहा है ग्रुप होने के बाद हम यूज करते हैं हैविंग का जो हम आगे पढ़ेंगे ठीक है फिलहाल ग्रुप पे हम कोई कंडीशन कंडीशन नहीं लगा लगा रहे रहे ग्रुप से पहले, ग्रुपिंग से पहले पहले ग्रुपिंग जिसको रन करूंगा तो देखिए क्या हुआ सेल्समैन चार है मैनेजर तीन है प्रेजिडेंट एक है बट क्लर्क हमारा दो हो चुके क्लर्क पहले चार थे अब दो हो चुके हैं मतलब जब मैंने ये क्लॉज नहीं रन किया था तो देखिएगा और जब मैंने किया तब देखिएगा ठीक है क्या आउटपुट है तो वेर इज दैट द फर्स्ट क्वेरी ओके ये रहा है ना तो जब मैंने इसको रन किया तो आप देखिए सॉरी नॉट दिस वन दिस वन जब मैंने इसको रन किया सॉरी यार सॉरी so इसको हटा देता हूँ मैं जब मैंने इसको रन किया तो देखिए क्या आया आउटपुट जब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास क्लर्क चार हैं अच्छा एक काम करता हूँ ऑर्डर मतलब ग्रुप बाय भी कर देता हूँ इसको ठीक है मतलब ऑर्डर बाय सॉरी ग्रुप बाय नहीं ऑर्डर बाय कर देता हूँ ताकि मुझे क्लियरली विजिबल भी हो जाए ठीक है ऑर्डर तो अब जब मैंने इसको रन किया तो देखिए क्या है सॉरी मैम मिस्टेक काउंट स्टार के बना कर दिया है ना तो सबसे पहले एनालिस्ट दो क्लर्क चार मैनेजर ओके इसमें भी कोई दिक्कत है फिर इसमें भी ग्रुप जॉब से है सॉरी ये वाला था ये वाला सही है अपना तो मैनेजर तीन क्लर्क चार सेल्समैन चार तो एक दो तीन चार चार है एक दो तीन चार चार हैं राइट यहां पर भी मैं क्या कर दूंगा ऑर्डर बाय कर दूंगा ऑर्डर बाय काउंट तो एक दो तीन चार चार है ना अब देखो जब इसको रन करूंगा तो क्या होगा तो ये क्या बन गया एक, दो, तीन, चार चार नहीं एक, दो दो तीन, चार चार ठीक है इससे पहले देखिएगा ऊपर से कॉपी करके मैं ले ही आता हूँ यार एक काम करता हूँ फंस रहे हैं अपनी कहानी में है ना तो इसको कॉपी करके मैं नीचे ले आता हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो ठीक है इसको जैसे रन किया देखो क्या है एक दो तीन चार चार है ना एक दो तीन चार चार इसको आया और जब मैं ये रन कर रहा हूं तो क्या हो रहा है देखना है दो दो ना तो एक दो क्लर्क दो बन चुका क्लर्क ऊपर आ चुका है एनालिस्ट दो है मैनेजर तीन है सेल्समैन चार क्लर्क क्या हो चुका है ऊपर आ चुका है इससे पहले क्लर्क क्या था नीचे था चार वाले सेक्शन में था ठीक है क्लर्क क्या था नीचे था चार वाले सेक्शन में था अब ऊपर आ चुका है क्लियर हुआ ये चीज आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी किस तरीके से आप ये सब क्वेरीज कर सकते हो इसमें सब कुछ आउटपुट करके देख सकते हो आई होप ये कहानी आपको क्लियर हो चुकी होगी ठीक है कि किस तरीके से आप ये सब क्वेरी कर सकते हो इसको एक काम करूंगा इसको यहां पे कर दूंगा है ना चलो तो आई होप ये ग्रुप बाय का काफी सारी कहानी आपको समझ में आ चुकी है आगे बढ़ते हैं इसके बाद बस एक चीज़ और देखनी बची है दैट इज अगर मैं इसमें से सपोज इसी वाली क्वेरी में से है जैसे जो लास्ट क्वेरी है मेरी इसी में से मैं काम ये करूँ मैं अगर सपोज ये ग्रुप बाय वाला कंडीशन लगानी भूल जाऊँ ऑर्डर बाय भी भूल गया मैं ग्रुप बाय भी भूल गया तो क्या होगा दैट वी नीड टू एनालाइज मतलब ग्रुप बाय बेसिकली क्या स्पेशल कर दे रहा है जो अभी मेरा नहीं हो पा रहा है अब अगर इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से एनालाइज करिएगा ठीक है सबसे पहले मैं साइमल्टेनियसली उसको खोल भी देता हूँ क्वेरी को सॉरी टेबल को अपने डेटाबेस को टेबल को सॉरी डेटाबेस को इसमें हम क्या कर रहे हैं हम सेलेक्ट कर रहे हैं जॉब को और काउंट स्टार को फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ये हमारी एम्प्लॉय टेबल है ठीक है हमने सबसे पहले सेलेक्ट किया जॉब अब जॉब बेसिकली क्या है भाई तो जॉब मेरे पास क्या है क्लर्क है सेल्समैन है सेल्समैन मैनेजर सेल्समैन मैनेजर ये इतनी सारी जॉब्स है मेरे पास डिस्टिंक्ट नहीं डाला मैंने कुछ भी डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं डाला है. मैंने सीधे सीधे डाला है कि मुझे भाई जितनी भी जॉब्स है सब बता दीजिए तो कहते हैं सारी सारी जॉब्स आ जानी चाहिए ठीक है अब सारी जॉब्स मतलब ये सारे नाम रिप्रेजेंट कर रहा है जॉब बेसिकली क्या कर रहा है सारे नामों को रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे क्लर्क सेल्समैन सेल्समैन कितने सारे आउटपुट हैं इसके पास ये पूरा काउंट है इसके पास आउटपुट इतने सारे रोज हो सकती हैं इसके पास मतलब इसमें हो सकती हैं एक कितना डेटा ये देख लेते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह 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 रोज हैं इसमें ठीक है इन टोटल चौदह रोज है तो जॉब में क्या आंसर आने के चांसेस है चौदह आंसर आने के चांसेस है बट चौद जब मैं काउंट स्टार की बात करता हूँ काउंट स्टार सिंगल वैल्यू ऑपटिंग मतलब आउटपुट करेगा विच इज फोर्टीन ओनली फोर्टीन सिंगल वैल्यू आउटपुट करेगा अब जब मैं इसको रन करूंगा तो इससे चौदह वैल्यूज आ रही है इससे एक ही वैल्यू आ रही है इन दोनों को हम पुट कैसे करेंगे नहीं कर सकते ना तो यही प्रॉब्लम आ जाती है आपकी इस सिचुएशन में तो ये क्या है ये एक एग्रीगेट फंक्शन है ग्रुप बाय फंक्शन है ये सारे ग्रुप बाय फंक्शन के साथ आता है कि आप इंडिविजुअली अलग से रन करोगे तब तो, तो वेल एंड गुड है करेक्ट आंसर आ रहा है बट अगर आप इसको इंडिविजुअली रन ना करके किसी और कॉलम के साथ रन करो तो प्रॉब्लम आ जाएगी जैसे यहां पे देखिए यहां पे अगर आप देखो तो यहाँ क्लर्क लिख गया है फोर्टीन काउंट ये तो सही आया है काउंट स्टार तो सही आया है बट ये क्लर्क कहाँ से लिख के आ गया भाई यहाँ पे तो क्लर्क सेल्समैन मैनेजर सब हो सकते हैं क्लर्क क्यों आ गए तो क्लर्क इसने सबसे पहली वैल्यू को उठा के आपको आउटपुट कर दिया कुछ नहीं मिलता मल्टीपल वैल्यूज होती है तो पहली वैल्यू को आउटपुट कर देता है कुछ यही प्रॉब्लम आप फेस करोगे जब आप ग्रुप करोगे किसी नाम से किसी नाम से ग्रुप करोगे बट आउटपुट कुछ और ही कर रहोगे। जैसे कि मैं यहां पे कहूँ कि यार मुझे सपोज ग्रुप करना है जॉब के हिसाब से मैंने क्या कहा चलो एक क्वेरी लिख देता हूं मैं ठीक है मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट है ना सेलेक्ट कुछ करूंगा मैं फ्रॉम ई एम पी एल है ना ग्रुप बाय जॉब तो जॉब के बेसिस पर मुझे ग्रुप बैक करना है और फिर मुझे रिटर्न करना है अब मैं इसमें से रिटर्न क्या कर रहा हूँ मैं जॉब तो रिटर्न कर ही रहा हूँ मतलब जॉब तो मैं जॉब पे के बेसिस पे मैं इसको ग्रुप कर रहा हूँ जॉब तो रिटर्न कर ही रहा हूँ इंडिविजुअल जॉब्स आ जाएंगे मेरे पास बट अब साइमल्टेनियसली मैं इसमें नाम भी रिप्ले रन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे नेम भी रन कर रहा हूँ ठीक है अब ये नेम ई नेम के नाम से है ना एम्प्लॉय नेम ई नेम के नाम से ई e नेम भी रन कर रहा हूँ अब यहाँ पे आ गई प्रॉब्लम यही ऊपर वाली कैसे भाई देखो जॉब जब मैंने रन किया क्योंकि मैं जॉब के बेसिस पे इसको ग्रुप कर चुका हूं अब देखो तो जब एक रन होता है तो क्वेरी होती कैसे फ्रॉम से शुरुआत होता है क्वेरी होना यहां से ग्रुप बनता है फिर सिलेक्ट होता है तो जब आपका ग्रुप बन चुका है जॉब के बेसिस पे मतलब क्लर्क वालों का ग्रुप बन चुका है सेल्समैन वालों का ग्रुप बन चुका है मैनेजर वालों का ग्रुप बन चुका है प्रेसिडेंट वालों का ग्रुप बन चुका है सब ग्रुप बन चुके हैं इसमें से आप साइमल्टेनियसली नाम भी फेच कर रहे हो अब बेसिकली जॉब जब आप फेच कर रहे हो तो जॉब में बेसिकली कितना आउटपुट है जॉब में आपके पास पांच डिस्टिंट वैल्यूज थी बट जब ई e नेम की बात करते हो तो ई e नेम में फोर्टीन डिस्टिंक्ट वैल्यूज है अब कौन सी उठा जाए तो यहाँ पे फंस जाती है प्रॉब्लम जैसे अगर मैं कहूँ क्लर्क तो क्लर्क में यार मेरे पास चार क्लर्क है किन का नाम लूँ मैं क्लर्क के बेसिस पे तो क्लर्क की जब मैं बात करूं तो क्या नाम लूं स्मिथ लूं अनूप लूं जतिन लूं या फिर मीता लूं किसको लूं क्लर्क के फॉर्म में तो ये है प्रॉब्लम आपकी किसकी यही है प्रॉब्लम कि आप जो भी ग्रुप बाय कर रहे हो वही कॉलम आपको यहां लेना है या फिर सेम वैल्यू पजिस्ट करता हुआ ये कॉन्स्टेंट वैल्यू या ये एग्रीगेट फंक्शन आप यहां पे पुट करिए जिससे कॉमन वैल्यू निकले एक ग्रुप की ग्रुप का आंसर सेम होना चाहिए जिस बेसिस पे भी आप ग्रुप बना रहे हो जिस बेसिस पे भी आप ग्रुप बना रहे हो उस एक ग्रुप का आंसर एक ही होना चाहिए सेम होना चाहिए तब तो सही है नहीं तो डायमा वाला आंसर आएगा अब को ये कोई एरर तो नहीं देगा बट ये आंसर भी सही नहीं देगा एरर नहीं देगा क्लर्क में प्रेसिडेंट आमिर है बट बहुत सारे हैं एनलिस्ट स्कॉट है बहुत सारे हैं बट ठीक है तो अब यही प्रॉब्लम को इसी इश्यू को एड्रेस करना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे आई होप यहां तक आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी तो ये था मेरी तरफ से आपके लिए पूरा क्या ये था मेरी तरफ से आपके लिए ग्रुप बाय क्लॉज पूरा नहीं बेसिक ग्रुप बाय क्लॉज हमारा कंप्लीट हो चुका है ग्रुपिंग वाला पार्ट यूजिंग ग्रुप बाय क्लॉज बेसिक ग्रुप बाय क्लॉज खत्म हो चुका है इसके रिलेटेड हमने चीज़ें देख ली हैं अब हमारे पास कुछ आगे कहानी भी बची हुई है जैसे कि हमारी कहानी बची हुई है कि, कि किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर ग्रुप बाय क्लॉज में अगर ये नॉन ग्रुप कॉलम डालते हैं तो क्या होता है ठीक है जैसे भी हमने डाला तो कैसे क्या कहानी होती है पूरी इसकी तरफ समझेंगे इसके

और मैं इसको किस नाम से सेव से कर दूंगा डेस्कटॉप पे मैं इसको नाम से सेव से कर दूंगा जो हमारा वीडियो का नाम है विच इज ग्रुपिंग ग्रुपिंग रिजल्ट ठीक है एंड दिस इज व्हाट दिस इज ग्रुप बाय क्लास ठीक है ग्रुप बाय क्लास तो इस नाम से मैंने सेव से कर दिया इसको बंद कर दूंगा ठीक है इसको भी बंद कर दूंगा ठीक है इसको बंद कर दूंगा और ये हमारी काफ़ी सारी कहानी खुली हुई है ये मेरा कैलकुलेटर काम हो गया डेटा बेस डेटा का काम हो गया ये बंद हो गया ठीक है अब मैं चल के सर्विसेज पे चल के जरा माई सिक्वल का सर्वर भी ऑफ कर दूंगा खुला मिल गया था हमें तो कभी कब खुला रह जाता है दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग क्योंकि मैं कंटिन्यूसली रन नहीं कर रहा हूँ सिर्फ स्टडी परपस आपको बता रहा हूँ अननेसेसरी में पी के जो रिसोर्सेज उसको तो यूटिलाइज करा तो हमेशा बंद कर दिया करिए ठीक है चलो तो ये हो गया आपका माई सिक्वल के बेसिक पे काम तो भी वीडियो खत्म नहीं हुई है ठीक है चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे वीडियो करते हैं कंप्लीट ठीक है चलिए ओके गाइस सो आई होप आपको ये जो जो ग्रुप बाय का बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज है है या ऑपरेशन वो आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा थियर प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ठीक है तो ये बेसिकली आपने देखा कि किस तरीके से ग्रुप तो बाय काम करता है क्या काम है ग्रुप बाय का क्या क्या सेंटेक्स वगैरह है वो सब चीज आपने बेसिक ऑपरेशन देख ली एक चीज में कहानी छोड़ी है विच इज कि जो सिलेक्ट आप लिखने वाले हो जब भी आप ये सिलेक्ट लिखने वाले हो ग्रुप बाय तो नहीं इसमें गायब है सपोज इसमें ग्रुप बाय करके जब सेलेक्ट लिखने वाले हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो सिलेक्ट में आप लिख रहे हो ये सिर्फ वो वैल्यू होनी चाहिए जो हर ग्रुप के लिए यूनिक है या तो सेम होनी चाहिए या सिंगल वैल्यू होनी चाहिए वो आपको लिखनी है अगर सपोज मैं एक ऐसा कॉलम लिख दूं जिसमें मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं तो क्या होने वाला है इसका आंसर मैं आपको सॉरी इसका आंसर मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करेगा जिसमें हम सीखेंगे कि नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन या नॉन ग्रुप फील्ड अगर आपने सेलेक्ट में डाल दिया तो क्या कहानी होती है ठीक है तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है तो उसका वेट करेगा फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम तो गूगल पर आपको टाइप करें मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम पहली वेबसाइट आई उस पर क्लिक कर करजोगे करोगे तो यहां पर लाइन करोगे दिस इज इ होम पेज यहां पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है इज सीबीएसई के टू ट्वेल्व इंग्लिश मतलब सीबीएसई किंडे गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक इंग्लिश मीडियम वाला पूरा क्लास के पैलेट खुल जाएगा जिसमें से आपको क्लास ट्वेल्व सेलेक्ट करना है तो क्लास ट्वेल्व के सारे कोर्सेस खुल जाएंगे टू स्क्रॉल डाउन सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस क्लिक ऑन वॉच नाउ तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगा जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन आपके हाँ पास इसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो ऑल कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलता है जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा इधर उधर की वीडियो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो यहाँ आपको माइग्रेट में सारा कंटेंट मिल जाएगा वेदर इट बी एन टी एस सी ओलम्पियाड सीबीएस बोर्ड स्टेट बोर्ड एनसीआर बुक या किसी भी फेमस होता की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पर मतलब जब हमारे यूट्यूब चैनल या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, पे। यहाँ मिल जाएगी यहाँ पे मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन और इवन यहाँ पे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स मिल जाएंगे नीट जेई सी बैंकिंग के एग्जाम सब मिल जाएगा आपको सब कुछ है आपके लिए हमारे पास और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दो चैप्टर्स या दो वीडियोज नहीं कंप्लीट कोर्स आप लोग के लिए बनाया है हमने फ्री ऑफ कॉस्ट तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं प्ले पसंद आ रही है अगर आपको लगता है कि आप हर रोज उनसे कुछ नया सीख रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेस के साथ जुड़े रहिए बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किडने गार्डन से क्लास ट्वेल्व तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स में हम आपके साथ हैं सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे राइट right, मैं आपसे बोलता हूं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय थैंक यू वेरी मच